अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सनावनाज। देखें जी, पेंटोलॉजी का हम जो पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं एमएससी पार्ट टू के लिए, उसमें हमारा आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी रॉक्स क्या चीज़ हैं। ठीक है, रॉक्स आर कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कंसोलिडेटेड, आपको पता है कि कंसोलिडेटेड का मतलब है किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग होना, मुस्तकिल होना। ठीक है, और एग्रीगेट के टर्म नॉर्मली हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के मजमुए के लिए। ठीक है, सम ऑफ एनी थिंग एग्रीगेट जो है वो हम उसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मिनरल्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं। वो जब मिनरल्स हैं, जब उनका एग्रीगेट किया जाता है, यानी कि उनको जमा किया जाता है, तो वो एग्रीगेशन के बाद कोई कंसोलिडेटेड फॉर्म बनाए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट कोई फॉर्म बनाते हैं, या अनकंसोलिडेटेड यानी कि बहुत जो है वो गैर मजबूत सी, जल्दी टूटने वाली कोई फॉर्म बनाते हैं। तो वो वाली जो उनकी फॉर्म होती है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं कि वो उसका ही रॉक है। रॉक्स होती हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ रॉक की बात करें तो वैसे तो इसकी काफ़ी टाइप है, लेकिन मेनली जो है वो इसकी थ्री टाइप्स होती हैं, एग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सबसे फर्स्ट जो है वो हम एग्नियस रॉक की बात करेंगे। ठीक है, एग्नियस रॉक जो है वो मैग्मा, इट इज़ फॉर्मड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा क्या है, ये फ्लूइड मटेरियल होता है जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट है, और अर्थ क्रस्ट के नीचे जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो कि डिफरेंट एनवायरमेंटल और केमिकल फैक्टर्स की वजह से बनता है, उसकी जो कूलिंग है, उसकी कूलिंग के नतीजे में जो रॉक्स बनती हैं, उन रॉक्स को हम बोलते हैं एग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये राउंड अबाउट हमारी जो अर्थ है, अगर हम अर्थ से नीचे की तरफ, अर्थ क्रस्ट से नीचे की तरफ जाए तो 200 किलोमीटर की डेप्थ पे ये रॉक्स जो हैं वो बनना स्टार्ट होती हैं। मेनली इनमें जो मिनरल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, और आफ्टर, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लूइड फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब कूलिंग के बाद वो रॉक बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो वो लिक्विड से क्रिस्टल्स में चेंज हो जाती हैं। कंपोजिशन और नेचर ऑफ मैग्मा जो है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, कि किन कंडीशंस के अंदर जो है वो रॉक फॉर्मेशन हो रही हो। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ ये मैग्मा है, यानी कि ये वाला जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हमारा अर्थ क्रस्ट का पोर्शन है। अर्थ क्रस्ट के पोर्शन के नीचे ये मैग्मा है जो कि कंसोलिडेटेड या अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में, यानी कि कूल होगा, और कूल अप होके वो रॉक की सूरत में एक प्रेशर के साथ जो है वो रिलीज़ करेगा। और वो ये भी हो सकता है कि वो रॉक फॉर्मेशन के बाद अंडरग्राउंड ही रहे, और ये भी हो सकता है कि वो रॉक फॉर्मेशन के बाद प्रेशर के जरिए अर्थ क्रस्ट को जो है वो ब्रस्ट करके वहाँ से बाहर निकल आए, जैसे कि वोल्केनिक केस में होता है। टाइप ऑफ एग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो टू टाइप की एग्नियस रॉक्स होती हैं, प्लूटोनिक और वोल्केनिक। प्लूटोनिक रॉक्स कौन सी होती हैं, ऐसी रॉक्स मेड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा अंडर द सर्फेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मैग्मा की कूलिंग होनी है, उसके दो ऑप्शंस हैं कि वो अंडर द सर्फेस भी रह सकता है और अर्थ क्रस्ट को ब्रश करके बाहर भी आ सकता है। तो अगर तो जो मैग्मा की कूलिंग है, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मैग्मा की जो कूलिंग है वो सरफेस के नीचे, यानी कि अर्थ क्रस्ट के नीचे हुई है, और वो वाली जो रॉक बनी है उसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, या फिर इसको हम एंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक भी कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड टाइप है वो है वोल्केनिक, यानी कि जिस तरह आग से आप फटते हैं, इस तरह से जो है वो अर्थ सरफेस से अबाव, यानी कि प्रेशर के जरिए अर्थ सरफेस को फाड़ के, उसको ब्रश करके, उससे ऊपर निकलने के बाद जो है वो रॉक फॉर्मेशन होती है, और इस रॉक्स को हम कहते हैं वोल्केनिक या फिर एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट देखिए जी एग्जाम्पल्स ऑफ एग्नियस रॉक्स। अब जो एग्जाम्पल है इनमें आपने मेनली जो है वो इनके नेम्स याद करने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्नियस रॉक की जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको जो है वो थोड़ा बहुत इनकी डिटेल भी जो है वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखते हैं एंडीसाइट्स रॉक्स होती हैं। एंडीसाइट्स रॉक्स ऐसी रॉक्स हैं जो कि इंटरमीडिएट वोल्केनिक रॉक हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट वोल्केनिक रॉक में सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो हमने लास्ट में बात की कि रॉक्स जो है वो मिनरल से मिलके बनती हैं, तो मिनरल्स जो हैं वो मेनली टू टाइप के मिनरल्स होती हैं, एक होती हैं फेल्सिक और एक होती हैं मैफिक। फेल्सिक मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि लाइट कलर के होते हैं, यानी कि उनकी जो रॉक्स होती हैं वो लाइट कलर की होती हैं, और इनकी जो ग्रेविटी है वो लेस देन 3.0 होगी। इसमें मेनली सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एलुमिनियम और पोटाशियम वगैरह आ जाते हैं,
और जो सेकंड टाइप के मिनरल्स होते हैं मैफिक, मैफिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि डार्क इन कलर होते हैं, जिनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ग्रेटर देन 3.0 है, और इसके अंदर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह जो है वो मेनली प्रेजेंट होता है। अब देखिए जी, जो एंडिसाइट एग्नियस रॉक्स हैं ये इंटरमीडिएट वल्केनिक रॉक्स हैं, ठीक है। वल्केनिक मींस कि एक्सट्रूसिव है, अबाव द सरफेस बनेंगी, और वर्ड इंटरमीडिएट इस बात को शो कर रहा है कि इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो ना तो टोटली फैल्सिक होते हैं और ना ही टोटली जो है वो मैफिक होते हैं, ठीक है। एंथ्रोसाइट जो है वो अग्नेशियस अल्ट्रा मैफिक रॉक है। अल्ट्रा मैफिक मीन जिनके अंदर मैफिक मिनरल्स होते हैं लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि रिच इन मैफिक मिनरल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लाइट रॉक्स है। एप्लाइट रॉक जो है वो फाइन ग्रेन प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, यानी कि अंडरग्राउंड बनती हैं और बिल्कुल ग्रेन, बिल्कुल पाउडरी सी हालत में छोटे छोटे से इनके ज़रात होते हैं। बसाल्ट रॉक हैं जो कि वल्केनिक रॉक ऑफ मैफिक कंपोजिशन है, यानी कि अबाव द ग्राउंड बनेंगी और मैफिक मिनरल से मिलके बनेंगी। कार्बोनाइट होते हैं, कार्बोनाइट जो है वो कार्बोनेट से मिलके बनती है और ये रॉक्स जो है वो बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। डिकाइट है जो कि फैल्सिक टू इंटरमीडिएट है, यानी कि या तो इसके अंदर फैल्सिक मिनरल्स होंगे या फिर वो दोनों मिनरल्स फैल्सिक और मैफिक के इंटरमीडिएट होंगी, और ये भी वल्केनिक होती हैं यानी कि एक्सक्लूसिव होती हैं। गैब्रो हैं जो कि कोर्स ग्रेनाइट प्लूटोनिक है, यानी कि अंडर द सरफेस है, लेकिन कोर्स ग्रेनाइट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से वो ग्रैंड हुई होती हैं, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में जो है वो बनती है। ग्रेनाइट है जो भी, ये भी कोर्स ग्रेनाइट होती है, प्लूटोनिक होती है, लेकिन गैब्रो और ग्रेनाइट में जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है उसकी जो है वो डिफरेंस होता है। जो ग्रेनाइट है वो रिच इन कैल्शियम होती है एज़ कम्पेयर टू गैब्रो, ठीक है। एक्विडाइट है, ये वल्केनिक रॉक होती है, ठीक है। कैम्पलाइट है जो कि अल्ट्रा मैफिक है और अल्ट्रा पोटेशिक है। अल्ट्रा पोटेशिक मीन पोटेशियम की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, रेयर वल्केनिक रॉक है। उसके अलावा रायोलाइट होती है जो कि फैल्सिक है और वल्केनिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो एग्नियस रॉक हैं, ये उनकी शेप्स आपको कुछ नज़र आ रही होती है। ये जो इनके कलर का डिफरेंस नज़र आ रहा है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनरल कंपोजिशन और मिनरल कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट है जी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? दीज रॉक्स आर फॉर्म एंड पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड अप एंड आर कमिटेड टुगेदर बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड मिनरल्स, ठीक है। यानी कि जब पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं वो प्रेशर के जरिए जो है वो आपस में एक जगह पर कंबाइन करते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म में आते हैं, तो उनके कम्पैक्ट फॉर्म में आने से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का जो मटेरियल होता है वो हवा के जरिए या पानी के जरिए जो है वो एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद वो वहाँ पर कम्पैक्ट फॉर्म में आते हैं, और उनकी जो कम्पैक्शन का प्रोसीजर होता है उसको हम डायजेंसिस कहते हैं। बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स बनने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग प्रोसीजर होते हैं, अराउंड अबाउट 900 ईयर्स लगते हैं एक रॉक को बनने के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास सी है, ठीक है। यहाँ पे जो रॉक है जो कि जो है वो एक्सक्लूसिव रॉक थी, एग्नियस रॉक्स थी, अबाव द सरफेस थी, वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से या वेदनिंग की वजह से टूटी है, और उसके टूटने की वजह से उसके जो मिनरल्स हैं ये आप देख सकते हैं कि मिनरल्स होते हैं वो वाश्ड होते हैं टू द सी, यानी कि पानी के जरिए वो सी की बॉटम के अंदर जमा हो रहे हैं, और सी की बॉटम के अंदर जमा होने के बाद यहाँ पे जब इनका डायजेंसिस का प्रोसीजर होगा, यानी कि ये कम्पैक्शन करेंगे आपस में, तो वहाँ पे जो इनकी रॉक बनेगी उस रॉक को हम बोलेंगे सेडिमेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, सेडिमेंट्री रॉक का हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जो है वो इनके टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली थ्री टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। क्लेस्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, क्लेस्टिक सेडिमेंट्री रॉक ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि मेनली सिलिकेट्स वगैरह से मिली होती हैं, और इनके जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के जरिए ट्रांसपोर्ट किए जाती हैं। इनको फर्दर जो है वो इनके साइज और कंपोजिशन की बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। देन जो है जी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि एवेपोरेशन यानी कि वाटर के एवेपोरेशन से बनती हैं, और ये मेनली ट्रांसपेरेंट फॉर्म की होती हैं। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि डिपोजिशन ऑफ मिनरल